आज का हमारा सेशन बाबरनामा से इंस्पायर्ड है और मेरे आसपास बाबरनामा की ही कुछ बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग डिस्प्लेड। नेशनल म्यूजियम के मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में लगभग 14,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स में हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स पार्चमेंट, बिर्च बार्क, पाम लीफ, पेपर, क्लोथ और मेटल मटेरियल्स में मौजूद है। आज का हमारा DIY बहुत इंटरेस्टिंग है। नेशनल म्यूजियम के मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन से इंस्पायर्ड आज हम बाबरनामा के बागे वफा से कुछ एलिमेंट लेकर पॉपअप कार्ड बनाएंगे। मुगल बादशाह बाबर नेचर का बहुत ही कीन ऑब्जर्वर था। उसको देखने और परखने की ताकत बड़ी पैनी थी। बाबर जहाँ जहाँ घूमने गया उसने उन देशों के प्राकृतिक दृश्यों, जलवायु, वातावरण और कलाकृतियों का बहुत ही सूक्ष्म और सही वर्णन ऐसी सजीवता से किया जो शायद ही किसी आधुनिक यायावर मतलब मॉडर्न ट्रैवलर की डायरी में मौजूद हो। कार्ड बनाने से पहले क्यों ना हम बाबरनामा के बारे में कुछ जान लें। बाबरनामा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें बादशाहों के दरबारों, उनकी वेशभूषाओं, व्यवहारों एवं रुचियों का और उनके चरित्रों का इतनी बारीकी से सजीव चित्रण किया गया है कि इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि मानो हम उनके बीच में ही हैं। काबुल फतेह करने के बाद बाबर थोड़ा चिंता मुक्त हो गया और फिर वो अपने मनपसंद शगल बागवानी में मशगूल हो गया। उसने अदिनापुर के किले के पास एक बाग लगवाया जो बाग वफा के नाम से मशहूर हुआ। हो सकता है उसने ये बाग कुरान में मौजूद जन्नत के बयान को ध्यान में रखकर बनवाया हो, क्योंकि कुरान में कुरान की सूरह अलबुरूज में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसने अच्छे आमाल यानी कि कर्म किए उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं। वहाँ की नहरें जमीन खोद कर नहीं बल्कि जमीन के ऊपर रवा हैं। जन्नत में हर तरह के फलदार दरख्त हैं लेकिन खजूर, संतरे और अनार के दरख्त बकसरत होंगे। उनकी दरख्तों की शाखें हरी भरी और घनी होंगी। तो चलिए हम आज बागे वफा के इन्हीं संतरों और अनारों के पेड़ों और फूलों से पॉपअप कार्ड बनाना सीखते हैं। इस मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे ऊपर कोहे सफ़ेद यानी बर्फ से ढका पहाड़ और पानी निकालने का एक फारसी रहट है। नीचे की तरफ चार बाग जो चार हिस्सों में बटा है और जिसमें संतरे फल फूल रहे हैं। एक हिस्से में केले का एक और चिनार के दो पेड़ हैं। ऊपरी दाहिने हिस्से में केवड़े का एक पेड़ है। बीच में हौज में बतख का एक जोड़ा तैर रहा है। बाईं ओर के हिस्से में एक माली जमीन खोद रहा है।